हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में फिर कोरोना विस्फोट, 43,000 पार नए केस, ओमिक्रॉन के 238 ताजा मामले। कोरोना की तीसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 19 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके अलावा राज्य में ओमिक्रॉन के 238 ताजा मामले दर्ज हुए हैं। राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 2,61,000 पार हो गए हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के 43,211 नए केस सामने आए, जबकि 33,356 मरीज ठीक होकर घर लौटे। इस तरह राज्य में अब कोरोना के 2,61,658 केस एक्टिव है। इसके अलावा माया नगरी मुंबई में शुक्रवार को 11,317 ताजा कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना से कुल 19 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई में 9 मरीजों ने दम तोड़ा। बीएमसी ने अपने स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 84% मरीज बिना लक्षण वाले थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 238 नए केस हैं। राज्य में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 1,605 तक पहुंच गया है। आज 136 पुलिसकर्मी संक्रमित। मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में 136 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना से अब तक कुल 126 कर्मियों की मौत हुई है, जबकि सक्रिय मामले 1,253 हैं। मुंबई में कोरोना का उतार चढ़ाव। शुक्रवार शाम तक मुंबई में सक्रिय कोविड मामलों की कुल संख्या 84,352 थी। इससे पहले 13,702 मामलों के साथ मुंबई ने पिछले दिन की तुलना में गुरुवार को दैनिक कोविड-19 मामलों में 16.55% की गिरावट दर्ज की थी। हालांकि मुंबई में कोरोना मामलों में गिरावट का असर राज्य में दर्ज मामलों पर नहीं दिखा, जहां महाराष्ट्र में गुरुवार को भी 46 से अधिक मामले दर्ज किए थे। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।